हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मृणालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। हो गई है रात और हम जा रहे हैं एक राइड पे। एक्चुअली अभी कहाँ जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा देख करके, बस कुछ ही मिनट्स में। बेटी मेरे कान में बार बार कुछ बोल रही थी और बेटा अपने घड़ी में बिजी था, ये पीछे आराम से बैठे हुए थे। बस हम इन्हें जा रहे थे टॉय दिलाने, इन लोगों को लेना था टॉयज। और जब भी अपने पापा को मना लेते हैं टॉयज के लिए, ये ले लेते हैं। ये गिफ्ट गैलरी में आए थे हम, बहुत ही सुंदर सुंदर गिफ्ट्स थे यहाँ पे, टॉयज थे बच्चों के लिए। और बेटे का तो डिसाइडेड था उसे क्या लेना है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न है। ये देखिए मूर्तियाँ भी बहुत ही अच्छी अच्छी आई थी, बहुत ही प्यारी प्यारी थी, लक्ष्मी गणेश की, राधा कृष्ण की, बहुत ही प्यारी। किसी को गिफ्ट करना हो तो कर सकते। दिवाली के डेकोरेटिव आइटम्स थे जो कि बेटा मुझे बता रहा था कि मेरे स्कूल में बच्चों ने यही लिया था प्रोग्राम में, तो मैंने कहा अच्छा। और ये मुझसे भी कहता था आप भी ले लो दिवाली के लिए, मैंने कहा दिवाली की शॉपिंग हम बाद में करेंगे। सुंदर सुंदर सी लाइट्स थी, ये फ्लावर्स थे, वॉसेस थे, फ्लावर पॉट्स। ये स्टैचू बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, ये इसमें वाटरफॉल था पर अभी वो चल नहीं रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर बेटी को कुछ समझ में नहीं आता उसे लेना क्या है, बेटे का प्री डिसाइडेड था उसे क्या लेना है, मतलब वो मैकेनिक्स वाली चीज़ें लेता है तो वही ले लेता है, स्मार्ट एक्टिविटी वाली किट जो कि बनाने होते हैं। फिर फाइनली इन लोगों ने चूज़ किया अपने लिए चीज़ें। फिर हम नीचे उतरते थे ग्रोसरी के शॉप, फिर इन लोगों ने खरीदे चिप्स और बच्चे हो गए खुश। प्रिंगल्स भी लिए इन लोगों ने। टॉयज देखे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या लिया तुमने? पिनबॉल, स्मार्ट टीवी थी। और तुमने? फिर हम आ गए थे यहाँ पूजा की दुकान, मुझे लेना था कुछ सामान मंदिर के सामने जो की थी, मैंने सामान लिया। उसके बाद बच्चों ने खाए चाट बताशे, मेरा तो फास्ट था मैंने कुछ नहीं खाया। देखिए ये है ना, फिर बेटे ने इसे बना लिया था के लिए, यहाँ भी मुझे एक्सप्लेन कर रहा था। अंदर करके ये ऐसे लगा देते, सेट हो गया। ये 10 पॉइंट के होते हैं यहाँ पे पॉइंट्स, ये जो रेड बॉल्स है ये दिखाते। अच्छा दिख गई दिख गई, ये एक रेड बॉल्स है, ये रेड बॉल है। हाँ। यहाँ डालते हैं। हाँ। और जब यहाँ से ये इसको ऐसे यहाँ पे ये होता है, इसको पुल करने से आगे जाता है। जब बॉल यहाँ आती है लड़की, अगर ये जब वहाँ जाती है। हाँ। तो ये ऐसे करके उधर जाके इधर आती है, यानी हम लोग 10 पॉइंट मिल गए। यहाँ पे पॉइंट्स लिख के टोटल 90 होते हैं और ये रीसेट होते हैं, जितनी बार इसमें लड़ेगा ये एक एक करके जाएगी। उसका है मैक्सिमम 65। करके दिखाना एक बार, ठीक है? गेम खेल के दिखाओ। अरे ये बॉल्स किस लिए हैं? ब्लू वाली, ये ब्लू वाली हम लोगों की ये होती है, 1 2 3 5 चांसेस होती हैं। अच्छा, अच्छा। ये पहली एक लोहे की होती है, इसको यहाँ लगाएंगे। और अगर गेम खेलने के लिए वाली स्टील है शायद। हाँ, स्टील है, लोहा है। और ये हम लोगों ने बनाए थे कूलर्स या फिर कुछ ऐसा नाम था, पॉकेट टाइप का। यहाँ पे जगह होती है, इनको लगाना होता है। इसको किक करने के 10 पॉइंट मिल जाते हैं। अच्छा। हम जब हमारी माँ यहाँ पे सिर्फ दूर उठा करके हम लोगों को कहीं पे भी लगाने होते हैं। अच्छा। मतलब इसको यहाँ लगा देंगे, फिर इसको जोर से ऐसे पुश करना है, यहाँ से बॉल आएगी। करके दिखाते हैं, ऐसे बॉल आ जाएगी, मारना है। और जब आगे अंदर हो जाती है तो फिर हम लोग ये एक और बाकी मार्बल से यहाँ कर सकते हैं, फिर से इसको कर सकते हैं। और अगर वापस आ रहे हैं, रीसेट बटन है दबाएंगे तो फिर इसको तो सेट कर देते हैं। ये दबाएंगे तो ये हमारी बॉल वापस आ जाएगी इसमें। तो अब ये जैसे हमारी देखिए, इधर मेरे 30 पॉइंट्स हो गए और यहाँ पे मेरे 20 पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे दो बॉल्स आ गए, यानी 20 है। अच्छा, वेरी गुड। ये गेम तुमने बनाया है ना पूरा? हाँ, स्मार्ट एक्टिविटी से। हाँ, स्मार्ट एक्टिविटी किट लेके आया था कल जो, ये उसी से इसने बनाया है। हमको अच्छा लगता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया तुमने। और वापस इनके यहाँ पे ये दो बैंड्स लगे हैं, इसको आउट कर देना है तो फिर ये चीज अलग हो जाती है। अच्छा। और यहाँ पे ये किट लेके आया था स्मार्ट एक्टिविटी जो मैंने दिखाया आपको, हम सब इनको टॉय दिलाने गए थे, इसने ही ली थी। और ये इसने पूरा गेम खुद से बनाया है। ये ऐसे है, यहाँ पे सेम और ये सेम स्ट्रक्चर होता है। हाँ। इसको ऐसे लगा देंगे, लग जाएगा।
फिर ये ऐसे फील करना है और ये इसमें आ जाएगा। वाओ वेरी नाइस। और उसके बाद इसको वापस रखने के लिए यहाँ लगाएंगे, ये ऐसे यहाँ पे फिट हो जाएगा और इसका बैंड लेकर के ऐसे लगा देंगे। इसमें से बैंड वर्किंग होती है, होती है बच्चों के लिए 8+ है। अच्छा, रबर बैंड से तुमने सब कुछ मिला के बनाया ना। यहाँ से पीछे से दिखाते हैं, ये देखिए पीछे से है इसका और तुम करना सीखी। इधर आओ तो तुम ट्राई करो, कुछ दिन सीख जाओगी। ठीक है, पहले गया। फिर ये सब अपना खेलने में बिजी हो गए। और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। बेटा अपना खेल रहा था और बेटी प्रैक्टिस कर रही थी हुला हूप को घुमाने की, बट उससे नहीं हो रहा था। शी वॉज ट्राइंग अगेन एंड अगेन। मैंने कहा कोई नहीं, तुम कुछ दिनों में सीख जाओगी। फिर बेटे ने बोला मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, मैंने सीखा है। अरे वाह, तुमने तो सीख लिया। तुमको किसने सिखाया? ईशानवी। ईशानवी तुम्हारी क्लास से पढ़ती है? अच्छा ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।